नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक स्टडी पैलेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको विंडोज 7 में हिडन फोल्डर एंड फाइल शो करना बताएंगे, शो कैसे होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोटिस को ऑन कर लें। तो आज हम आपको विंडोज 7 में हिडन फाइल एंड फोल्डर शो कर बताएंगे, ये शो कैसे होते हैं। सबसे पहले शो करने के लिए माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ऑर्गेनाइज भी जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट के नीचे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, इस पे अपने लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है शो हिडन फाइल एंड फोल्डर एंड ड्राइव, तो यहाँ पे अपने इसे टिक मार्क कर देंगे। करने के बाद में नीचे जो है ना लगे हुए हैं चेक मार्क, हाइड एम्प्टी ड्राइव इन द कंप्यूटर फोल्डर, इसे अनमार्क कर देंगे। उसके बाद में हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल टाइप, इसे भी आप इनेबल कर लेंगे, यानी चेक मार्क हटा देंगे। उसके बाद में हाइड प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, इनों को तीनों को अनचेक कर देंगे। अब ये है यस का वार्निंग दे रहा है, यस करेंगे अपने। यस करने के बाद में अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। जो भी आपको फाइल हिडन कर रखी है वो हिडन फाइल शो हो जाएगी। तो हमने फाइल हिडन एंड फोल्डर शो कर दी है। उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं ये जो साइकिल पिन ये दिख रहा है फोल्डर, ये लाइट में है और ये डार्क में है। तो ये जो लाइट में है इसका मतलब ये जो हिडन फाइल है। अभी समझने के लिए मैं ड्राइवर नाम का फोल्डर खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसे वीडियो कॉपी कर लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे नया फोल्डर बनाते हैं, बना लिया, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद में अब से ये अभी ये ना डार्क में है, जब इसे हाइड कर दें तो ये लाइट में हो जाएगा। ड्रॉप गए और ये हिडन कर दिया, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो इससे क्या है, अभी क्या है डार्क से लाइट में हो गया, तो मतलब इसका ये फोल्डर जो जिप फाइल है ये क्या है हाइड होगी। अभी क्या शो हो रही है, शो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने हिडन फोल्डर एंड फाइल शो कर रखे हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर और ड्राइव, अब मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, चेक कर दूँगा, तो अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ से जो अपने फाइल थी जिप फाइल वो हाइड हो चुकी है, अभी ये किसी को दिखाई नहीं देगी। अभी शो करने के लिए हम वापस फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे शो हिडन फाइल एंड फोल्डर को शो कर देंगे और अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो हमारी ये फाइल शो हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ छोटे बच्चों से प्राइवेट डाटा होता है या इम्पोर्टेंट डाटा होता है, उसे हमें छुपाना होता है, उस छुपाने के लिए हम इस हाइड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोटिस को ऑन कर लें। धन्यवाद।